भिलाई शहर ही नहीं बल्कि दुर्ग जिले सहित पूरे प्रदेश में प्रतिष्ठित चिकित्सालय स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपना नवा स्थापना दिवस मनाते हुए एक नए आयाम को छुआ है, जिसके तहत स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गैस्ट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की शुरुआत की गई है। इस डिपार्टमेंट को डॉक्टर अर्पण जैन संभालेंगे। भिलाई शहर में आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कोई कमी नहीं है, परंतु कुछ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपनी कार्य प्रणाली के चलते बहुत ही अल्प समय में शहरवासियों के दिल में कुछ खास जगह बना ली है। ऐसा ही एक चिकित्सकीय प्रतिष्ठान है स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां का प्रबंधन बहुत ही उदार एवं अनुभवी तो है, वहीं इस अस्पताल के बाकी के स्टाफ भी अपनी कर्मठता की मिसाल पेश करते नजर आते हैं। शायद यही कारण है कि 2014 में स्थापित हुए स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने 25 फरवरी को अपने सफलतम शानदार 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसके खुशियां अस्पताल प्रबंधन ने शहर व जिले के पत्रकार बंधुओं के साथ साझा की। इस दौरान अस्पताल के डायरेक्टरों ने अपने 9 वर्ष की उपलब्धियों को प्रेस मीडिया के साथ साझा किया, साथ ही अब तक के सफर में जिन लोगों का साथ छूट गया उन्हें भी बखूबी याद किया। 9वें स्थापना दिवस के मौके पर इस अस्पताल में पेट रोग संबंधी विभाग का शुभारंभ करने की जानकारी भी दी गई, जिस विभाग को प्रदेश के अनुभवी गेस्ट्रोलॉजिस्ट अर्पण जैन संभालेंगे। सर, विशेष जैसा आपको बताया कि 9वें स्थापना दिवस पर हम एक नया विभाग चालू कर रहे हैं, जो इस शहर में फुल टाइम कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जिसे कहते हैं पेट रोग विभाग, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट। सारी प्रकार के एंडोस्कोपीज और एंडोस्कोपी से रिलेटेड प्रोसीजर्स अब आपको शहर में उपलब्ध रहेंगे। किसी भी इमरजेंसी में यात्रियों में ब्लीड करता है, इसलिए आपको जब जाना पड़ता था बाहर तो बहुत देर हो जाती थी, अब आपको उचित समय पर सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी। आसान नहीं रहा है सफ़र, टफ लाइन है ये और हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात रही कि हमारी टीम ने कभी हौसला नहीं खोया और कठिन से कठिन समय भी अब साथ बनाए रखा और मेहनत करते रहे, और हम उन सभी कठिनाइयों से पार पाकर आज इस मुकाम पर आकर खड़े हैं। कोविड कॉल में मैं उस मानवीय भावना, जिसे कहते हैं ह्यूमन टच, जो हमारे स्टाफ ने, हमारे डॉक्टर्स ने जो मानवीय भावना दिखाई, जहाँ पर मरीज के रिश्तेदार उन्हें छोड़कर चले जाते थे, उन्हें छूते नहीं थे, वहाँ हमारे स्टाफ उन्हें दिन में 4 बार 5 बार जाकर उनका हाथ पकड़ना, उन्हें देखना, उनसे बातें करना, उनको खाना खिलाना, और जो दवाइयों के साथ जो ये ह्यूमन वैल्यू जिसे कहते हैं, जो ह्यूमन टच दिया, फील दिया, जिसकी वजह से मरीजों के मनोवैज्ञानिक स्तर में बहुत बढ़ोतरी हुआ, उसकी वजह से हमें सफलता मिली। बहुत बड़ी ताकत है सर। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आज भिलाई दुर्ग जिले में कोई भी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट फुल टाइम प्राइवेट में वर्किंग नहीं है, और मैं समझता हूँ सैकड़ों की संख्या में मरीज रोज रायपुर जा रहे हैं। अब वो इस तकलीफ से बच पाएंगे, उन्हें शहर में ही सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर अर्पण जैन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, स्पर्श हॉस्पिटल। हाल ही में, मतलब आज ही के दिन, स्पर्श के 9वें फाउंडेशन के दिन स्पर्श परिवार में शामिल हुआ हूँ। मैं स्पर्श अस्पताल को 9वें वर्ष में प्रवेश के लिए बधाई भी देना चाहता हूँ। जैसा कि वर्मा सर ने बताया, क्योंकि हमारे MD हैं, उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में कोई भी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट परमानेंट नहीं है प्राइवेट अस्पताल में, तो यहाँ के मरीजों को रायपुर भागना पड़ता है। चूँकि मैं इस इलाके में पहले भी अपनी सेवाएँ दे चुका हूँ, मुझे इलाका काफ़ी पसंद था और मैंने मेकाहारा से ही MD किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ के लोगों को पेट के रोग हों, जैसे पेट, लीवर, आंत और पेंक्रियास की जो भी समस्या है, जिसके लिए लोग यहाँ से रायपुर जाते हैं इलाज के लिए, उनको यहाँ बेहतर से बेहतर सुविधा प्राप्त करवा सकें। सबसे पहले तो संपूर्ण मानव जाति को बधाई देना चाहता हूँ कि कोविड की जो महामारी थी उससे हम लोग निजात पाने में सक्षम रहे हैं, और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और समाज में अगर स्पर्श हॉस्पिटल किसी तरह से भी उसके स्वास्थ्य के, मरीजों के स्वास्थ्य के लिए मदद कर सकता है, गरीबों की मदद कर सकता है, तो हम उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मैं उनको हृदय से नमन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोविड टीम का लीडर था और इतनी अच्छी टीम मेरे अंडर में काम कर रही थी। वो जो साक्षात अनुभव मुझे हुआ, वो ईश्वर की जो अनुभूति होती है उससे कम नहीं था। मैं अपने संपूर्ण स्टाफ, उनके परिवार को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और ऐसी मानवता की जो मिसाल है, ऐसे जीवन में कभी कभी देखने को मिलती है, मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। मानवीय दृष्टिकोण से अस्पताल की आवश्यकता पड़ी, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपनी जिम्मेदारी को निभाने में हमेशा सक्षम रहा है।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डेंगू के समय आपको देखने को मिला होगा। डेंगू में गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया था इलाज, उसके बावजूद भी हमने 650 आईपीडी और करीब 2500 ओपीडी में पेशेंट को देखा और इसका निःशुल्क इलाज किया और उसका एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट हमको मिला गवर्नमेंट से। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कोविड काल के दौरान भी बेहतर चिकित्सा की सुविधाएं शहरवासियों को प्रदान करने के लिए जिले व प्रदेश भर में काफी सुर्खियां बटोरी है और ये सब संभव हो पाया है तो सिर्फ इस अस्पताल के अनुभवी डॉक्टरों की टीम, बेहतर प्रबंधन और कार्य कुशल मेडिकल स्टाफ की वजह से। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जुड़ जाने से अब अस्पताल प्रबंधन की ताकत में और इजाफा हो गया है, जिसका लाभ यकीनन शहर और प्रदेशवासियों को मिल पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।